Okay. Today we are going to start new topic, that is contract costing. Okay, you already know about the contract actually. Okay, contract क्या है वो already आपको actually मालूम है actually. सब जन ने actually contract के related actually इन्फॉर्मेशन एक्चुअली सबके पास रहेगी, लेकिन उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो हम आज एक्चुअली देखने वाले हैं. एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअली दो पार्टी रहती है एक्चुअली. फर्स्ट रहता है कॉन्ट्रैक्टर और सेकंड रहता है कॉन्ट्रैक्टी. ओके, कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है, मतलब अभी समझो मुझे मेरे जगह पे एक्चुअली बिल्डिंग बनाने की है, इसके वजह से मैंने अमोल को एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, मतलब मुझे अमोल मुझे बिल्डिंग बना के देने वाला है. तो अमोल यहाँ पर रहेगा कॉन्ट्रैक्टर और मैं रहूँगा कॉन्ट्रैक्टी, मतलब मैं उसको पैसे देने वाला हूँ और वो एक्चुअली वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो बिल्डिंग मुझे बना के देने वाला है. तो कॉन्ट्रैक्टर जो रहेगा वो वर्क करेगा वो रहेगा कॉन्ट्रैक्टर, और जो पैसा देने वाला है जिसके लिए वो काम करेगा वो रहेगा कॉन्ट्रैक्टी. ओके, तो ये दो पार्टी रहेगा इसमें, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी. अभी आप कभी हमें यहाँ पर एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एक्चुअली प्रिपेयर करना पड़ता है. हाँ हेलो हेलो ओके. तो हमें यहाँ पर एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एक्चुअली प्रिपेयर करना रहता है एक्चुअली. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का ये अभी फॉर्मेट ऐसे वाला फॉर्मेट एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए ये फॉर्मेट है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए. ओके, अभी एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट दो तीन टाइप के एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, मतलब एक जो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे रहता है जो करंट ईयर में ही कंप्लीट होने वाला है ऐसा वाला एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है. तो उसके एक्चुअली कंप्लीट रहता है वो मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली कंप्लीट हो जाता है वन ईयर में ही, एक टाइप का वो कॉन्ट्रैक्ट रहता है. दूसरा कॉन्ट्रैक्ट रहता है इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली कंटिन्यूस चलते रहता है, मतलब जिसका काम रहता है वो दो चार साल चलते रहता है. तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो एक्चुअली करंट ईयर में कंप्लीट नहीं रहेगा, वो नेक्स्ट ईयर में कंप्लीट होगा, नहीं तो उसके नेक्स्ट ईयर में कंप्लीट होगा. ऐसे वाले भी कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, उसको बोलते हैं कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट करके बोलते हैं. और उसके लिए एक्चुअली ये इनकम्प्लीट वाला कॉन्ट्रैक्ट वाला जो ये प्रोफॉर्मा बताया एक्चुअली, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट में ये वाला नहीं, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट करंट ईयर में चालू होगा और करंट ईयर में ही कंप्लीट रहेगा, तो उसमें वर्क इन प्रोग्रेस नहीं रहेगा, उसमें इनकम्प्लीट वर्क नहीं रहेगा, जो भी रहेगा वो कंप्लीटेड वर्क रहेगा. ओके, तो ये जो अभी फॉर्मेट है वो एक्चुअली जब कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट रहता है, मतलब करंट ईयर में ईयर एंड को जो कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट रहता है उसके लिए फॉर्मेट है. कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट मतलब करंट ईयर में जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, मतलब करंट ईयर में ही चालू होता है और करंट ईयर में ही कंप्लीट होता है, उसका थोड़ा सा फॉर्मेट अलग रहता है. उसमें कुछ ये वाली चेंज नहीं रहती है वहाँ पर, मतलब जो वर्क इन प्रोग्रेस ये लिखा हुआ है ना वो उस चीज़ में रहे उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहेगा, मतलब एंडिंग में भी वर्क इन प्रोग्रेस नहीं रहेगा उस वाले कॉन्ट्रैक्ट में. लेकिन जो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसको एक्चुअली वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा, मतलब लास्ट ईयर का जो इनकम्प्लीट वर्क है वो करंट ईयर को ब्रॉड डाउन कर दिया जाएगा और करंट ईयर का है वो कैरिड डाउन कर दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर को. ओके, तो इस प्रकार के एक्चुअली इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का एक्चुअली वर्क रहेगा, मतलब इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के एक्चुअली ये फॉर्मेट रहेगा. तो एक्चुअली बेसिक देखो क्या है एक्चुअली इसमें, बेसिक किस प्रकार एक्चुअली लिखा हुआ है वो एक्चुअली देख लो. बेसिक क्या क्या है, सभी डेबिट साइड को, ये जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है ना ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड को सारे एक्सपेंसेस मेंशन करते हैं, मतलब मटेरियल रहेगा, वेजेस रहेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा, ओवरहेड रहेगा, ये जो सब चीज़ें हैं ना वो डेबिट साइड को मेंशन करने की रहती है. मतलब ये देखो अभी मटेरियल मेंशन क्यों है, अभी मटेरियल जो रहता है ना वो मटेरियल एक्चुअली हम नॉर्मल केस में एक्चुअली मटेरियल एक ही जगह से आता है, मतलब मटेरियल परचेस ही रहता है. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल एक ही जगह से नहीं आएगा, एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट को मटेरियल एक्चुअली दो तीन जगह से आ सकता है. मतलब समझो हमारा दूसरे एक जगह पे कॉन्ट्रैक्ट चालू है, तो दूसरे जगह वाला जो कॉन्ट्रैक्ट में से हम मटेरियल करंट कॉन्ट्रैक्ट में ला सकते हैं, मतलब दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से मटेरियल यहाँ पर आ सकता है. ओके, तो जो कौन से भी मीन से कभी मटेरियल कभी कॉन्ट्रैक्ट में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो एक्चुअली डेबिट साइड को मेंशन कर देंगे, मतलब ये फ्रॉम स्टोर रहेगा, मतलब स्टोर में हमने रखा हुआ है जो मटेरियल वो लेकर आए तो वो फ्रॉम स्टोर रहेगा, कभी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से आ रहा है तो वो फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट आएगा. ओके, और कभी हम डायरेक्टली परचेस कर रहे सप्लायर से तो वो भी वाला जो परचेस रहेगा वो भी एक्चुअली मटेरियल यहाँ पर एक्चुअली मेंशन हो जाएगा.
तो कौन से भी मीन से एक्चुअली मटेरियल आ रहा है तो यहाँ पर वो रिकॉर्ड हो जाएगा, वो मटेरियल के यहाँ पर मेंशन कर देंगे, डेबिट साइड को मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर वेजेस रहेगा, जो जो भी एक्सपेंसेस रहेगा वो डेबिट साइड को रहेगा एक्चुअली, और कभी वो आउटस्टैंडिंग रहेगा एक्सपेंसेस तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, कभी प्रीपेड रहेगा तो यहाँ पर लेस हो जाएगा, मतलब जो एक्रूवल का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर पूरा अप्लाई हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ पर एक मेंशन किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में प्लांट, मतलब हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पे हमने कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्लांट यूज़ किया है, नहीं तो कोई एसेट यूज़ की है, तो वो एसेट भी यहाँ पर एक्चुअली डेबिट साइड को मेंशन हो जाएगी। अभी उसके लिए एक्चुअली दो टाइप का एक्चुअली दो एक्चुअली सिचुएशन रहता है, एक्चुअली दो टाइप के अकाउंट्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं। एक तो ऐसे कि जो एसेट है वो एक्चुअली मेंशन कर दो, डेबिट साइड को मेंशन कर दो और क्रेडिट साइड को उसका क्लोजिंग बैलेंस मेंशन कर दो, ये पहला वाला मेथड है। ओके, और उसके लिए दूसरा वाला भी एक मेथड है। दूसरे वाले मेथड में हम क्या करते हैं एक्चुअली, दूसरे वाले मेथड में हम प्लांट डेबिट मतलब जो एसेट रहेगा वो डेबिट साइड को भी नहीं मेंशन करेंगे, क्रेडिट साइड को भी नहीं मेंशन करेंगे, उसका खाली डेप्रिसिएशन मेंशन कर देंगे। ये दो टाइप का एक्चुअली अकाउंटिंग मेथड रहता है, उसमें से कौन सा भी अकाउंटिंग मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। ये इसमें अभी देखो ये पहला वाला अकाउंटिंग मेथड फॉलो किया है, देखो यहाँ पर प्लांट जो परचेस किया है ये यहाँ पर लिखा हुआ है, कभी ओपनिंग प्लांट है तो ये यहाँ पर लिखा रहेगा, नया वाला परचेस किया तो ये यहाँ पर लिखा जाएगा, और जो उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है तो वो क्रेडिट साइड को लिखा जाएगा। ओके, इस प्रकार के एक्चुअली प्लांट का मतलब ये एसेट का बता रहा हूँ आपको, कौन सी भी एसेट रहेगी, जो एसेट एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट पे जो यूज़ होगी उसको नॉर्मल एक्चुअली प्लांट कहते हैं, एक्चुअली उसका नाम देते हैं, एक्चुअली प्लांट करके उसका नाम देते हैं जो एसेट रहेगा उसका, मतलब मिक्सर रहेगा, हम अभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो मिक्सर रहेगा। ओके, जो जो सीमेंट रहता है उसको एक्चुअली मिक्स करके देता है वो मिक्सर रहेगा, नहीं तो अदर कोई एक्चुअली जो एसेट रहेगा उसको एक्चुअली नॉर्मल प्लांट करके एक्चुअली वर्ड यूज़ करते हैं। तो अभी प्लांट का भी ओपनिंग बैलेंस रहेगा तो ये WIP में ओपनिंग बैलेंस में आ जाएगा। ओके, कभी करंट ईयर को कभी परचेस किया रहेगा प्लांट, नहीं तो दूसरे साइड से यहाँ पर लाया रहेगा प्लांट तो ये यहाँ पर मेंशन हो जाएगा, और उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है ये वो एक्चुअली क्रेडिट साइड को मेंशन किया जाएगा। तो एक ये टाइप रहेगा, एक मतलब ये एक मेथड हो गया प्लांट मेंशन करने का, और दूसरा मेथड ये कहाँ पर भी मत लिखो, यहाँ पर ओपनिंग पे भी मत लिखो, करंट ईयर को परचेस किया ये भी मत लिखो और ये भी मत लिखो, डायरेक्टली उस पे जो डेप्रिसिएशन है वो कैलकुलेट कर दो और डेप्रिसिएशन डेबिट साइड को मेंशन कर दो टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, बस इतना ही कर देने का, मतलब ओपनिंग नहीं लिखने का, क्लोजिंग नहीं लिखने का, करंट ईयर को परचेस रहेगा वो भी नहीं लिखने का, खाली उसके जो उसका जो डेप्रिसिएशन आएगा वो सिर्फ डेप्रिसिएशन यहाँ पर मेंशन करने का। ये एक हम नॉर्मली सेकंड मेथड फॉलो करेंगे, तो सेकंड मेथड में सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का और वो मेंशन करने का है। फर्स्ट मेथड में भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ता है, मतलब अभी ये ओपनिंग प्लांट लिख दिया ना तो क्लोजिंग प्लांट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो क्लोजिंग प्लांट हम कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग प्लांट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्लोजिंग प्लांट। ओके, ये हम करते हैं, मतलब डेप्रिसिएशन वहाँ पर भी निकालना पड़ता है और यहाँ पर भी निकालना पड़ेगा, दोनों मेथड में हमें डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, सिर्फ खाली फर्स्ट मेथड में हम डेप्रिसिएशन जो है वो कहाँ पर भी नहीं लिखेंगे। अभी इस मेथड में आप देखेंगे तो डेप्रिसिएशन कहाँ पर भी नहीं लिखा है। ओके, डेप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे, खाली एक्चुअली प्लांट को डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, क्रेडिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे। ओके, मतलब आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन वी विल मेंशन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट आफ्टर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंस। ओके, ओपनिंग बैलेंस में से डेप्रिसिएशन हम माइनस कर देंगे और जो बैलेंस अमाउंट रहेगा वो प्लांट का हमें क्लोजिंग बैलेंस हम वो लिख देंगे। ओके, और यहाँ पर और एक आप चीक देखेंगे, ये और एक कॉस्ट है सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। ये सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या है एक्चुअली, अभी जो अमोल है उसने एक्चुअली वो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया है बिल्डिंग का, बिल्डिंग बनाने का बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया है, लेकिन अभी बिल्डिंग बनाने के लिए जो भी चीज़ें लगेंगे मतलब सीमेंट लगेगा, जो सैंड लगेगी, ओके, जो भी पत्थर लगेंगे, जो भी चीज़ लगेंगे एक्चुअली, तो उसके लिए जो आयन लगेगा तो उसके लिए एक्चुअली जो अमोल है वो एक्स पर्सन को छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट दे देगा, एक्स को एक कॉन्ट्रैक्ट दे देगा, वाई को एक कॉन्ट्रैक्ट दे देगा, मतलब वाई को कॉन्ट्रैक्ट दे देगा कि वो सीमेंट सप्लाई करेगा, एक्स को कॉन्ट्रैक्ट देगा वो आयन सप्लाई करेगा, ओके, जो रॉड वगैरह रहते हैं वो सप्लाई करेगा। तो वो जो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट है, जो अमोल है वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर है, ओके, अमोल ने छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली दूसरे पर्सन को दे दिए है, तो उसका जो कॉस्ट रहेगा वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। ओके, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मतलब छोटा कॉस्ट है, छोटा कॉन्ट्रैक्ट है, बड़े कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के लिए छोटे छोटे जो कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं उसको बोलते हैं सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। ओके, तो वो भी कॉस्ट यहाँ पर एक्चुअली आ जाएगा एक्चुअली। ओके, एक्स्ट्रा वर्क डन रहेगा तो वो एक्चुअली कॉस्ट, उसका जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा वो भी एक्चुअली डेबिट साइड को आ जाएगा। ओके ओके, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना,
ये इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है एक्चुअली. ओके, तो करंट ईयर को जो इनकम्प्लीट जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो उसका जो प्रॉफिट निकालेंगे तो उसको एक्चुअली नेट प्रॉफिट करके नहीं बोलेंगे. अभी ये जो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है तो इसका जो प्रॉफिट निकालेंगे तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस करके नहीं मेंशन करेंगे, तो उसको मेंशन करेंगे नॉशनल प्रॉफिट. ये अभी नॉशनल प्रॉफिट, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो ही या कभी कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो नेट प्रॉफिट डायरेक्टली मेंशन करने के, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, उस पर हमें कंफर्म हो गया कि इतना ही अभी प्रॉफिट होने वाला है, इतना ही हमें लॉस होने वाला है. लेकिन कभी इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, समझो एक जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो 2 साल चलने वाला है, फर्स्ट साल में हमने 60% हमने कंप्लीट कर दिया और 60% में हमें प्रॉफिट हो गया 1 लाख रुपीज़ का फर्स्ट ईयर में. लेकिन अभी सेकेंड ईयर का काम अभी बाकी है, तो जो फर्स्ट ईयर में जो प्रॉफिट मिला है वो प्रॉफिट है या नहीं अभी कंफर्म नहीं बता सकते, क्योंकि सेकेंड ईयर में अभी 40% काम होना बाकी है. अभी 40% काम करते समय वो 1 लाख के प्रॉफिट के जगह कभी 50,000 रुपीज़ लॉस हो गया, मतलब नेक्स्ट ईयर में 1,50,000 रुपीज़ लॉस हो गया, मतलब फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट भी चला गया और नेक्स्ट ईयर में और 50,000 रुपीज़ लॉस हो गया. तो जो हमने प्रॉफिट जो कंसिडर किया है वो प्रॉफिट हम कंसिडर, मतलब प्रॉफिट हम कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं है वो, क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. इसके वजह से यहाँ पर एक्चुअली जो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो वहाँ पर जो प्रॉफिट निकालते हैं वो प्रॉफिट का नाम देते हैं नॉशनल प्रॉफिट, मतलब वो अभी नॉशनल है, वहाँ अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है. ओके, तो जो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रॉफिट निकलेगा तो उसको हम नाम देंगे नॉशनल प्रॉफिट. ओके, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है नॉशनल प्रॉफिट. ओके, तो ये नॉशनल प्रॉफिट वाली कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ होगी कभी इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो, और कंप्लीट रहेगा तो नेट प्रॉफिट डायरेक्टली मेंशन कर देंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डायरेक्टली वो प्रॉफिट रहेगा या लॉस रहेगा वो ट्रांसफ़र कर देंगे. लेकिन कभी नॉशनल प्रॉफिट रहेगा तो नॉशनल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट, मतलब प्रॉफिट और रिजर्व ये दो चीज़ में वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. तो उसके लिए कुछ रूल्स है यहाँ पर. ओके, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई रूल्स है एक्चुअली, मतलब रूल्स क्या है एक्चुअली, अभी कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो वहाँ पर कोई भी रूल नहीं आएगा, जो प्रॉफिट रहेगा वो प्रॉफिट को ट्रांसफ़र हो जाएगा, नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र हो जाएगा, और कभी लॉस होगा तो नेट लॉस को ट्रांसफ़र हो, मतलब वो प्रॉफिट प्रॉफिट और जो लॉस रहेगा वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब वो डायरेक्टली हम ट्रांसफ़र कर देंगे पीएनएल अकाउंट को. लेकिन कभी इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर एक्चुअली 3 सिचुएशन आते हैं, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में 3 या 4 सिचुएशन आते हैं. मतलब वो कैसे, एक्चुअली हमारा कितना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है उसके बेसिस से हम वो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट और लॉस और रिजर्वों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. जो नॉशनल प्रॉफिट रहता है ना उसको एक्चुअली 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, एक पार्ट रहता है रिजर्व और दूसरा पार्ट रहता है प्रॉफिट और लॉस. ओके, मतलब कुछ पोर्शन रो रहता है वो पीएनएल को हम ट्रांसफ़र करते हैं और कुछ पोर्शन रहता है वो हम रिजर्व को ट्रांसफ़र करते हैं. और उसके लिए रूल्स है. अभी रूल्स क्या है, कभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है जिसका वर्क डन, मतलब कंप्लीटेड वर्क कैलकुलेट करने के लिए वर्क सर्टिफाइड कंप्लीटेड वर्क, मतलब वर्क सर्टिफाइड हम जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना वो आर्किटेक्चर उसको सर्टिफाई करता है कि इतना परसेंट काम हमारा कंप्लीट हुआ है, 60% कंप्लीट हुआ है, 40% कंप्लीट हुआ है, नहीं तो 5 लाख रुपीज़ का कंप्लीट हुआ है, 6 लाख रुपीज़ का कंप्लीट हुआ है, ऐसे हमें एक्चुअली वो सर्टिफाई करके देता है आर्किटेक्चर. तो आर्किटेक्चर ने जितना सर्टिफाइड करके दिया है उतना परसेंट हम वर्क कंप्लीट हुआ है करके बोलते हैं एक्चुअली. तो वर्क सर्टिफाइड हमें एक्चुअली इसमें एक्चुअली दिया रहता है, वर्क सर्टिफाइड कितना है वो एक्चुअली प्रॉब्लम में हमें दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो हम कैलकुलेट कर देंगे, वो मिसिंग फिगर रहेगा तो हम कैलकुलेट कर देंगे. उसके लिए कुछ फार्मूला है एक्चुअली. ओके, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वर्क सर्टिफाइड कैलकुलेट करने के, और वर्क सर्टिफाइड हमारा कैलकुलेट हो गया तो उसके हिसाब से हम एक्चुअली कितना परसेंट वर्क कंप्लीट हुआ है वो हम कैलकुलेट करते हैं. तो कितना परसेंट वर्क, मतलब परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड हम कैलकुलेट करते हैं, और इसके हिसाब से हम नेट प्रॉफिट नॉशनल प्रॉफिट है वो हम ट्रांसफ़र कर देते हैं पीएनएल को, और रिमेनिंग हम रिजर्वों को ट्रांसफ़र करते हैं. ओके, तो अभी परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैलकुलेट करने के लिए हमें एक फार्मूला यूज़ करने का, वो फार्मूला क्या है, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100, ये फार्मूला हमें यूज़ करने का है. तो एक फार्मूला लिख के लो एक्चुअली परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकालने के लिए हमें फॉर्मेट यूज़ करने का है. क्या फॉर्मेट यूज़ करने का है, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100. ओके, ये फार्मूला हमें यूज़ करने का परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकालने के लिए. ओके, अभी
वर्क सर्टिफाइड कभी मिसिंग रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, वो फॉर्मूला लिख के लो। यहाँ पर वो फॉर्मूला दिया हुआ है, देखो। वर्क सर्टिफाइड निकालने के लिए वर्क सर्टिफाइड एक्चुअली दो तीन फार्मूला यूज़ होते हैं। जब जो सिचुएशन रहेगा उसके हिसाब से हम एक्चुअली वो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये देखो, ये एक फार्मूला है वर्क सर्टिफाइड। ये वर्क सर्टिफाइड का एक पहला फार्मूला है, एक फार्मूला है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू वर्क सर्टिफाइड एट्स परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मतलब कभी परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड कभी प्रॉब्लम में दिया रहेगा तो वो फार्मूला यूज़ करके वो हम वर्क सर्टिफाइड निकाल सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, वर्क जब परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्रॉब्लम में दिया रहेगा तभी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू वर्क सर्टिफाइड एज अ परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये पहला वाला फॉर्मूला वर्क सर्टिफाइड निकालने के लिए। ओके, कभी ये परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड कभी प्रॉब्लम में दे दिया रहेगा और तो इस उस प्रॉब्लम में हमें कैश रिसीव्ड कितना है वो दिया रहेगा, और कैश रिसीव्ड एज परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड वो भी दिया रहेगा, कितना परसेंट वो कैश रिसीव्ड है वो भी दिया रहेगा उस प्रॉब्लम में। तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला हमारा यूज हो जाएगा वर्क सर्टिफाइड निकालने के लिए। वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय कैश रिसीव्ड एज परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ओके, ये वर्क सर्टिफाइड निकालने के लिए एक्चुअली ये सेकंड फार्मूला यूज हो जाए। ये दो में से एक फार्मूला हमारा यूज होता है एक्चुअली नॉर्मली वर्क सर्टिफाइड निकालने के लिए। और वर्क सर्टिफाइड निकालने के बाद हमें परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकालने का है, वो किसके लिए यूज़ करेंगे, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड हम यूज़ करेंगे कितना प्रॉफिट का पोर्शन है वो हमें P&L को ट्रांसफर करने का है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड हम निकालेंगे। अभी उसके लिए रूल्स है, अभी रूल्स यहाँ पर दिखाता हूँ क्या रूल्स है। फर्स्ट सिचुएशन ये है, कभी हमारा जो परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड है वो लेस देन 25% है, हमारा कभी परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड कभी लेस देन 25% है तो हम 0% मतलब 0 रुपीज़ हम प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे, 100% अमाउंट हम रिजर्व को ट्रांसफ़र कर देंगे। ये फर्स्ट केस है, मतलब ये फर्स्ट सिचुएशन है कि हम कितना परसेंट हम प्रॉफिट हम रिजर्व को ट्रांसफ़र कर देंगे, 100% हम प्रॉफिट हम रिजर्व को ट्रांसफ़र कर देंगे। कभी जब हमारा परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड है वो लेस देन 25% है तो हम 100% प्रॉफिट जो निकाला है, जो 100% जो नॉशनल प्रॉफिट जो निकाला है वो हम रिजर्व को ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, अभी सेकंड सिचुएशन, हमारा परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड है वो 25% और मोर देन 25, मतलब 25% और मोर देन 25% बट लेस देन 50% रहेगा, मतलब 25% टू 49.99% रहेगा। उस केस में हम 1/3 नॉशनल प्रॉफिट है वो हम 1/3 जो नॉशनल प्रॉफिट है वो हम रिजर्व को हम ट्रांसफ़र कर देंगे, सॉरी P&L को हम ट्रांसफ़र करेंगे, नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देंगे, P&L को ट्रांसफ़र कर देंगे, और रिमेनिंग जो प्रॉफिट है वो रिजर्व को ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, सेकंड सिचुएशन क्या है, हमारे जो परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड है वो 25% टू 49.99% मतलब लेस देन 50% है तो उस केस में हम 1/3 नॉशनल प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफ़र कर देंगे और जो रिमेनिंग रहेगा वो रिमेनिंग हम ट्रांसफ़र कर देंगे रिजर्व को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो उसका फॉर्मूला एक्चुअली 1/3 मतलब 1/3 मतलब डायरेक्टली 1/3 नहीं हो, तो उसका फॉर्मूला है 1/3 इंटू नॉशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। ये फॉर्मूला हमें यूज़ करने का है, कितना प्रॉफिट हमें प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफ़र होने वाला है वो कैलकुलेट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करने का है। ओके, अभी थर्ड सिचुएशन है, हमारा जो प्रॉफिट है जो परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड है वो 50% है मतलब 50% और मोर है। ओके, तो उस केस में क्या रहेगा, जो हमारा जो प्रॉफिट है, हमारा जो नॉशनल प्रॉफिट है वो एक्चुअली 2/3 हम ट्रांसफ़र कर देंगे P&L को और रिमेनिंग हम ट्रांसफ़र कर देंगे रिजर्व को। कभी मोर देन 50 मतलब 50% टू आप 99% करेंगे तो भी चलेगा। ओके, 50% टू 99%, 99.99% हम जो प्रॉफिट रहेगा कभी वर्क परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड रहेगा तो हम 2/3 नॉशनल प्रॉफिट हम P&L को ट्रांसफ़र करेंगे और रिमेनिंग जो है हम रिजर्व को ट्रांसफ़र कर देंगे 2/3। उसके लिए फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे 2/3 इंटू नॉशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे कितना पोर्शन प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफ़र हुआ होगा वो कैलकुलेट करने के लिए। ओके, और जो लास्ट केस दिए हुए है, इफ़ इट इज़ इक्वल टू और मोर देन 90% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस,
मतलब ये जो ये वाला जो केस है ना उसके लिए अलग फॉर्मूला यूज़ होता है एक्चुअली, वो एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट रहता है। मतलब हमारा मोर देन 90% हमारा वर्क कंप्लीट है तो उसके लिए हम एस्टिमेटेड फिगर हमें प्रॉब्लम में दिया रहता है कि कितना एस्टिमेटेड हमारा रहेगा एक्चुअली, तो उसके लिए हमें नए एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। ओके तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट के लिए कि कभी मोर देन 90% रहेगा ना उसका प्रॉब्लम का सिचुएशन ही अलग रहेगा। ओके तो उसके लिए अलग अलग और बहुत सारे उसके लिए फार्मूला है, ये इतना फार्मूला है एक्चुअली एस्टिमेटेड प्रॉफिट के लिए। और इसके लिए एक्चुअली इतना ही फार्मूला, इतना तो फार्मूला है, इसमें से हम कौन सा भी एक फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 99% हमें जब एस्टिमेटेड वाला जो प्रॉब्लम रहता है ना तो उसमें एक्चुअली हमें उसका फार्मूला जो रहता है वो प्रॉब्लम में ऑलरेडी प्रोवाइड किया रहता है। उसका जो फार्मूला रहेगा कि कितना प्रॉफिट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करने का, उसका फार्मूला हमें ऑलरेडी प्रॉब्लम में दिया रहता है। ओके लेकिन ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, मोस्टली ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट डिवाइड इनटू कैश रिसीव डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ओके ये वाला हम फार्मूला हम यूज़ कर देंगे। ओके ओके जो एस्टिमेटेड वाला जो प्रॉब्लम रहेगा वो अलग ही रहेगा, उसमें हमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमें निकालना रहेगा एक्चुअली। हम पहले एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट निकालेंगे और उसके बाद में एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट का भी प्रिपेयर करेंगे, एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालेंगे और उसके बाद में एक्चुअली हमें कैलकुलेट करने को आएगा। ओके पहला जो एक्चुअल वाला रहेगा उसमें हम नॉमिनल प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद में हम एक्चुअल एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर करेंगे, उसमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट हम निकालेंगे और इसके बाद में हमें वो पहला वाला कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे एक्चुअली हमारा एक्चुअली सिचुएशन रहेगा वो एस्टिमेटेड। स्क्रीन विजिबल आहे का तुम्हाला? स्क्रीन दिसते का तुम्हाला? यस सर। ओके थँक्यू। ओके ओके कधी 25 एस्टिमेटेड कॉन्ट्रॅक्ट। ओके एस्टिमेटेड कॉन्ट्रॅक्ट रिलेटेड आपण डिस्कस केलं ॲक्च्युली की एस्टिमेटेड कॉन्ट्रॅक्ट असेल तर आपल्याला हा फॉर्म्युला आपल्याला यूज करायचा, त्याच्यासाठी आपला एस्टिमेटेड कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंटसुद्धा आपल्याला प्रिपेअर करावा लागतो। ओके आता तुम्हाला ऑलरेडी डिस्कस केलं आपण हे जे फॉर्म्युले जे आपण यूज केले आहेत ना, हे सभी फॉर्म्युले कब यूज होगे? जब इनकम्प्लीट कॉन्ट्रॅक्ट रहेगा तभी। कभी कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो यह फॉर्मूले यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम 100% जो प्रॉफिट है वो हम पीएनएल को ट्रांसफ़र कर देंगे, वहाँ पर नॉमिनल प्रॉफिट ही नहीं कैलकुलेट होगा, वहाँ पर नेट प्रॉफिट ही कैलकुलेट होगा। ओके व्हेन द वर्क सर्टिफाइड इज 100% और द व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट द एंटायर प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमने ऑलरेडी एक्चुअली डिस्कस किया था कि कभी जब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 100% कभी कंप्लीट रहेगा तो जो नेट प्रॉफिट है वो 100% हम ट्रांसफ़र कर देंगे, जो नेट प्रॉफिट जो जो भी प्रॉफिट निकलेगा वो हम 100% हम ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल अकाउंट को। ओके और एक चीज़ एक ध्यान में रखना है, यहाँ पर कभी इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और वहाँ पर जब लॉस रहेगा तो वो लॉस है वो भी एक्चुअली पूरा एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र होता है। वो कितना स्टेज कंप्लीट है वो एक्चुअली वहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके मतलब कितना वर्क सर्टिफाइड परसेंटेज है वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना प्रॉफिट हमारा कंप्लीट हुआ है उतना 100% सॉरी जितना हमारा लॉस रहेगा वो 100% लॉस हमारा पीएनएल को ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके ये एक चीज़ हमारी कंफर्म होगी कि 100% हमारा जो प्रॉफिट है लॉस रहेगा वो 100% लॉस हमारा पीएनएल अकाउंट को ट्रांसफ़र हो जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ कंप्लीशन स्टेटस। ओके कितना कंप्लीशन स्टेटस है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब हमारा वर्क सर्टिफाइड 100% है 25% है 50% है वो इंपॉर्टेंट नहीं है कभी लॉस रहेगा तो। ओके लॉस रहेगा तो 100% लॉस हमारा ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल अकाउंट को। कभी कॉन्ट्रैक्ट कभी 100% कभी कंप्लीट है तो 100% हमारा प्रॉफिट रहेगा, जो लॉस रहेगा वो प्योरली हमारा पीएनएल अकाउंट को हमें ट्रांसफर कर देंगे। ओके ओके okay.
अभी यहाँ पर जो प्रॉब्लम रहेगा ना, ये जो प्रॉब्लम रहेगा एक्चुअली एक और दो एक दो कंसेप्ट है वो एक देख लेते हैं एक्चुअली। एस्केलेशन क्लॉज एक रहता है, एस्केलेशन क्लॉज मतलब ऐसा क्लॉज रहता है जो कॉन्ट्रैक्ट के जो हम एग्रीमेंट करते हैं ना, तो वहाँ पर एक्चुअली वो डाल देते हैं एस्केलेशन क्लॉज। तो एस्केलेशन क्लॉज ऐसे रहता है कि प्राइस और इंक्रीज और डिक्रीज हो गई, मतलब लेबर मटेरियल और जो एक्सपेंसेस जो रहते हैं उसका जो इन्फ्लेशन हो गया है, नहीं तो डिफ्लेशन हो गया है, तो इंक्रीज डिक्रीज का वहाँ पर एक्चुअली प्रोटेक्शन दिया रहता है। मतलब दोनों को एक्चुअली वो बेनिफिट होगा, प्रोटेक्शन मतलब दोनों को बेनिफिट होगा, कॉन्ट्रैक्टर को भी और कॉन्ट्रैक्टी को भी। कभी प्राइस कभी बढ़ गई तो जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है वो जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमने जो फिक्स किया हुआ है वो बढ़ जाएगा, और कभी प्राइस कभी कम हो गई तो वो कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। ओके ओके तो ये जो है एस्केलेशन क्लॉज कभी रहेगा, कभी जो कॉन्ट्रैक्ट जो जो हमने एग्रीमेंट किया है उसमें कभी एस्केलेशन क्लॉज रहेगा तो एक्चुअली प्राइस कभी बढ़ गई एक्चुअली, तो कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है वो इंक्रीज बढ़ा देंगे एक्चुअली। ओके ऐसे एक्चुअली एस्केलेशन क्लॉज रहता है। ओके और एक एक्चुअली टाइप का एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट रहता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट रहता है, मतलब उसमें एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो पहले डिसाइड नहीं करते, तो हमारा ऐसा डिसाइड रहता है एक्चुअली कि जितना हमारा कॉस्ट रहेगा उस पर हमें कितना परसेंट प्रॉफिट चार्ज करने का, वो एक्चुअली वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है, उसमें एग्रीमेंट में लिखा रहता है। मतलब हमारा जितना कॉस्ट रहेगा उस पर 10% हम मार्जिन करके ऐड करके हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारा डिसाइड होगा, 20% मार्जिन ऐड करके हमारा प्रॉफिट डिसाइड हो जाएगा। तो ऐसे एक्चुअली वहाँ पर एक्चुअली लिखा रहता है, मतलब वो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट रहता है, मतलब जितना कॉस्ट रहेगा उसमें एडिशनल प्रॉफिट ऐड करके हमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारे डिसाइड रहेगा। ओके ये और कोई कंसेप्ट है, और एक कंसेप्ट है रिटेंशन मनी। रिटेंशन मनी जो अमाउंट हम रिजर्व को जो ट्रांसफर करते हैं ना उसको बोलते हैं रिटेंशन मनी। मतलब अभी इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है, ओके इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है, तो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में समझो 40% हमारा वर्क सर्टिफाइड कंप्लीट है, 40% मतलब 40% हमारा वर्क सर्टिफाइड है, तो 40% हमारा कभी वर्क सर्टिफाइड रहेगा तो 40% वर्क सर्टिफाइड रहेगा तो हम 1/3 जो प्रॉफिट है वो हम रिजर्व पीएनएल को ट्रांसफर कर देंगे, जो रिमेनिंग जो ओके नहीं ये रिटेंशन मनी कंसेप्ट अलग है। रिटेंशन मनी में क्या रहता है, हम जो कॉन्ट्रैक्ट को जो अमाउंट जो पे करते वो अमाउंट हम फुल पेमेंट नहीं करते कॉन्ट्रैक्टी को, कॉन्ट्रैक्टी जो अमाउंट जो कॉन्ट्रैक्टर को जो पेमेंट करते हैं ना वो फुल अमाउंट नहीं पेमेंट करता, वो एक्चुअली कुछ पोर्शन हम रिमेनिंग रखता है और बाकी का अमाउंट वो पे करता है। मतलब समझो वर्क सर्टिफाइड, समझो 6 लाख रुपीज़ का वर्क सर्टिफाइड है, तो कॉन्ट्रैक्टी क्या करेगा 80% ऑफ वर्क डन उसको पे करेगा, मतलब 20% जो अमाउंट है वो पे नहीं करेगा, वो रिटेंशन मनी करके वो रख देगा। रिटेंशन मनी मतलब समझो कभी हमने कभी जितना परसेंट काम एक्चुअली कंप्लीट किया है कॉन्ट्रैक्टर ने उतना हमने 100% अमाउंट कभी कॉन्ट्रैक्टर को कभी पे कर दिया तो कॉन्ट्रैक्टर निकल जाएगा। ओके कॉन्ट्रैक्टर निकल जाएगा क्योंकि उतने जितना खर्चा किया है उतना उसको 100% अमाउंट मिल गया, तो जो रिमेनिंग जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो कंप्लीट ही नहीं करेगा। इसके वजह से रिक्स एक्चुअली मिटिगेट करने के लिए, रिक्स कम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ही क्या करता है 100% अमाउंट एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टर को पे नहीं करता। ओके जो जितना काम वर्क सर्टिफाइड हुआ है उसके कुछ 80% नहीं तो 90% अमाउंट खाली पे करता है, तो रिमेनिंग जो 20% और 10% अमाउंट है वो रिटेंशन मनी करके वो उसके पास रख देता है, मतलब वो अमाउंट वो पे नहीं करता। जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होगा वो तब तक वो 100% अमाउंट पे नहीं करेगा, किसको कॉन्ट्रैक्टर को 100% अमाउंट नहीं पे करेगा, उसका कुछ ना कुछ तो पोर्शन वो रिटेंशन मनी करके एक्चुअली रख देगा, उसका कुछ ना कुछ तो पोर्शन तो रिटेंशन मनी करके वो रख देगा। इसके लिए वजह से आपको प्रॉब्लम में दिखा गया कि कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्टी को 80% अमाउंट पे किया, 90% अमाउंट पे किया, 100% अमाउंट पे किया, ऐसे कहाँ पर भी नहीं लिखा रह गया। कभी लिखा रहेगा जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तभी वो लिखा रहेगा। ओके जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा उसी टाइम पे 100% अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर को पे करेगा। ओके जब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता तब तक कुछ परसेंट मतलब 10% 20% अमाउंट वो रिटेंशन मनी करके एक्चुअली रख देगा खुद के पास। ओके मतलब अभी देखो यहाँ पर 80% अमाउंट पे कर देगा, 4 लाख का वर्क सर्टिफाइड हुआ है तो वो खाली 3,20,000 पे करेगा, 20% अमाउंट है 80,000 रुपीज़ अमाउंट है वो रिटेंशन मनी करके वो रख देगा। ओके जो अमाउंट वो पे नहीं करेगा उसको बोलेंगे रिटेंशन मनी।
अभी प्रॉब्लम किस टाइप का रहेगा वो हम देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पर तीन से चार टाइप के एक्चुअली प्रॉब्लम है। एक फर्स्ट है सिंपल कॉन्ट्रैक्ट वाला प्रॉब्लम, जिसमें एक ही कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और वो कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली करंट ईयर में ही कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा वाला एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट वाला प्रॉब्लम रहेगा। अभी प्रॉब्लम बोल रहा हूँ, एक्चुअली प्रॉब्लम बोल रहा हूँ, मतलब प्रॉब्लम कौन से टाइप के आएंगे। तो पहला एक प्रॉब्लम रहेगा सिंपल कॉन्ट्रैक्ट करके बोलेंगे, जो एक ही कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसमें, ओके, और एक ही ईयर का इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, वो रहेगा सिंपल वाला कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट वाला प्रॉब्लम रहेगा। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक ही प्रॉब्लम रहेगा लेकिन एक ही प्रॉब्लम या दो या तीन कॉन्ट्रैक्ट का इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, तो वो रहेगा मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट वाला प्रॉब्लम रहेगा, ओके। तीसरे टाइप वाला प्रॉब्लम रहेगा कि कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक ही कॉन्ट्रैक्ट रहेगा लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट का 2 से 3 साल का इन्फॉर्मेशन हमें प्रॉब्लम में दिया रहेगा, और 2 से 3 साल वाला हमें प्रॉब्लम और सॉल्यूशन उसका प्रिपेयर करना रहेगा, वो रहेगा कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट, ओके। और लास्ट टाइप वाला प्रॉब्लम रहेगा एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट। एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब हमें एक्चुअली प्रॉब्लम दिया रहेगा, उसमें एक्चुअली ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा कि जिसका 90% मोर देन 90% एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है, मतलब वर्क कंप्लीट हुआ है ना मोर देन 90%, तो वो क्या करेंगे हमें प्रॉब्लम में एक्चुअली एस्टिमेटेड फिगर दे देंगे कि 100% कंप्लीट होने के लिए और 50,000 का मटेरियल लगेगा और 60,000 के लेबर लगेंगे और ओवरहेड हो जाएगा 20,000 रुपीज़ का, ऐसे हमें एस्टिमेटेड फिगर्स हमें दे देंगे, तो हमें एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट भी उसमें प्रिपेयर करना रहता है, ओके। तो इस टाइप का फोर्थ टाइप का प्रॉब्लम रहेगा। तो चार टाइप के हमें एक्चुअली इस सिलेबस में एक्चुअली प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम एक्चुअली हमें चार टाइप के आएंगे। एक फर्स्ट है सिंपल वाला कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड है मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड है कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट एंड लास्ट है एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट। ये चार टाइप के हमें प्रॉब्लम हम देखेंगे, चारों टाइप के हम प्रॉब्लम एक्चुअली देखेंगे कि किस प्रकार के वो प्रॉब्लम है, चारों टाइप के हम प्रॉब्लम देखेंगे, ओके ओके। फर्स्ट सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट एंड लास्ट वन एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट, ओके। चार एक्चुअली किसी भी टाइप का एक्चुअली प्रॉब्लम रहेगा तो एक्चुअली सिंपल ही रहेगा, उसमें कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है एक्चुअली। अभी कैश रिसीव्ड निकालने के लिए कुछ फॉर्मूला है, वो एक्चुअली चाहिए तो लिख के लो। कैश रिसीव्ड का भी प्रॉब्लम है दिया नहीं रहेगा और हमें वो लगेगा, तो एक्चुअली ये हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। वर्क सर्टिफाइड दिया रहेगा प्रॉब्लम में और रिटेंशन मनी कितने है वो दिया रहेगा, तो हम वर्क सर्टिफाइड माइनस रिटेंशन मनी करके हम कैश रिसीव्ड कितने है वो निकाल सकते हैं। दूसरा हम फॉर्मूला यूज़ कर, मतलब प्रॉब्लम के सिचुएशन बेसिस हमें फॉर्मूला यूज़ करने रहेगा। अभी हर एक प्रॉब्लम में एक ही फॉर्मूला यूज़ होगा ऐसे नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, प्रॉब्लम में क्या सिचुएशन हमें प्रोवाइड की हुई है वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, ओके। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड सेकंड फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इंटू कैश रिसीव्ड एज परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ओके। मतलब हमें वर्क सर्टिफाइड कितना है वो भी प्रॉब्लम में प्रोवाइड किया रहेगा, और परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड ऑफ वर्क सर्टिफाइड वो भी प्रॉब्लम में एक्चुअली दिया रहेगा, तो वो ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, कभी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है, ओके, और वर्क सर्टिफाइड एक्चुअली परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड भी प्रॉब्लम में दिया रहेगा, नहीं तो वो कैलकुलेट करने के लिए इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, और परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव दिया रहेगा, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, ओके। ये ऊपर वाला, ये सेकंड वाला फॉर्मूला है ना, वो मैक्सिमम टाइम पे एक्चुअली यूज़ होता है कैश रिसीव निकालने के लिए, ओके। कैश रिसीव निकालने की ज़रूरत बहुत कम रहती है एक्चुअली, लेकिन वर्क सर्टिफाइड निकाला बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क सर्टिफाइड निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो एक्चुअली हर प्रॉब्लम में, मतलब 90% प्रॉब्लम में हमें वो फॉर्मूला यूज़ करके एक्चुअली फाइंड आउट करने की ज़रूरत रहती है, और परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड तो हर प्रॉब्लम में हमें निकालना पड़ता है, तो उसके लिए फॉर्मूला है वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। ये फॉर्मूला है हम यूज़ करके परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकालेंगे, ओके। ये बात हमने डिस्कस नहीं की, वर्क इन प्रोग्रेस, हमने वर्क इन प्रोग्रेस नहीं डिस्कस किया। अभी वर्क इन प्रोग्रेस में क्या क्या आता है, तो वर्क सर्टिफाइड आता है। वर्क सर्टिफाइड मतलब काम तो हुआ है, काम हुआ है और आर्किटेक्ट ने वो आर्किटेक्चर ने वो सर्टिफाई भी किया है कि 4 लाख रुपीज़ का हमारा काम कंप्लीट हुआ है, तो 4 लाख रुपीज़ हमारा वर्क सर्टिफाइड रहेगा। दूसरा चीज़ है वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड मतलब काम तो हुआ है लेकिन आर्किटेक्ट ने वो सर्टिफाई नहीं किया है, आर्किटेक्ट ने वो काम देखा नहीं है और उन्होंने सर्टिफिकेट पे मेंशन नहीं किया है, तो वो रहेगा वर्क अनसर्टिफाइड,
ओके okay? मतलब काम तो हुआ है एक्चुअली, लेकिन वो सर्टिफाई नहीं किया है, इसकी वजह से उसको बोलेंगे हम वर्क अनसर्टिफाइड। ओके, वर्क इन प्रोग्रेस में और एक चीज आती है, वो है प्लांट एट साइट और मटेरियल एट साइट। ओके, प्लांट एट साइट हम एक्चुअली निकालेंगे डेप्रिसिएशन माइनस करके जितना रहेगा वो प्लांट एट साइट हम निकालेंगे, और मटेरियल एट साइट भी हम निकालेंगे, कभी मटेरियल जितना आएगा उसमें से रिटर्न कितना होगा वो माइनस करके हम मटेरियल एट साइट, नॉर्मली मटेरियल एट साइट हमें प्रोवाइड करते हैं प्रॉब्लम में, वो क्रेडिट साइट को हम मेंशन कर देते हैं वर्क इन प्रोग्रेस में। ओके, तो वर्क इन प्रोग्रेस में ये चार चीज़ें हमें मेंशन करने के हैं, एक वर्क सर्टिफाइड, सेकेंड वर्क अनसर्टिफाइड, नेक्स्ट प्लांटेड साइट। अब ये प्लांटेड साइट लिखना कंपलसरी नहीं है, कभी हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो ये कंपलसरी लिखने का है, लेकिन हम जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो हम डेप्रिसिएशन मेंशन कर देंगे डेबिट साइड को, ये प्लांटेड साइड लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दो टाइप के सिचुएशन बेसिस हम प्रॉब्लम हम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब सॉल्यूशन हम प्रिपेयर कर सकते हैं। एक फर्स्ट वाला प्लांटेड साइड ओपनिंग में भी लिखो और क्लोजिंग में भी लिखो, और सेकंड सिचुएशन प्लांटेड साइड ओपनिंग भी मत लिखो, क्लोजिंग भी मत लिखो, खाली डेप्रिसिएशन लिखो। तो हम सेकंड वाला एक्चुअली नॉर्मली हम सेकंड वाला एक्चुअली जो सिचुएशन है वो फॉलो करेंगे, फर्स्ट वाला भी फॉलो कर देंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही आंसर आएगा, उसमें कुछ गलती नहीं होगी, मतलब आंसर जो रहेगा वो दोनों सिचुएशन में सेम ही आंसर निकलेगा। ओके, अभी बैलेंस शीट में लिखते समय जब हमें एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बोलते, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करने को बोलते, तो हमें ये चीज़ें हम बैलेंस शीट में हम इस टाइप में हम लिखेंगे, मतलब वर्क सर्टिफाइड एड वर्क अनसर्टिफाइड लेस रिजर्व लेस कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, ये चीज़ें हम वर्क इन प्रोग्रेस में हम लिखेंगे, और प्लांटेड साइट और मटेरियल एट साइट वो भी हम बैलेंस शीट में लिख देंगे, क्योंकि वो भी एक्चुअली इन्फॉर्मेशन हमें प्रॉब्लम में रहेगी। अभी यहाँ पर फुल बैलेंस शीट नहीं पूछते, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हमें फुल बैलेंस शीट नहीं पूछेंगे, क्योंकि फुल बैलेंस शीट का इन्फॉर्मेशन ही रहे नहीं रहेगा एक्चुअली प्रॉब्लम में। ओके, फुल बैलेंस शीट का इन्फॉर्मेशन ही रहेगा नहीं रहेगा एक्चुअली प्रॉब्लम में, तो इसके वजह से यहाँ पर फुल बैलेंस शीट नहीं पूछेंगे, यहाँ पर क्या पूछेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट पूछेंगे। हॅलो, ओके, तर एक्स्ट्रॅक्ट ऑफ बॅलन्स शीटमध्ये काय काय मेन्शन करणार ते एक बॅलन्स शीटचा एक फॉर्मॅट आहे तो सुद्धा तुम्हाला दाखवतो। आता मी जे सांगितलं तेवढंच त्याच्यामध्ये मेन्शन होणार आहे, त्याच्यामध्ये काय एक्स्ट्रा काय असं मेन्शन होणार नाही आहे। हे बघा, एक्स्ट्रॅक्ट ऑफ हे पी एन एल अकाउंट आहे, एक्स्ट्रॅक्ट ऑफ बॅलन्स शीट। हे बघा, आपल्याला आता ही बॅलन्स शीटचा ॲक्च्युली फॉर्मॅट आहे, हा सर्व गोष्टी ॲक्च्युली प्रॉब्लेममध्ये प्रोव्हाइड केलेले नसतात। हा जो बॅलन्स शीटचा जो फॉर्मॅट आहे, या सर्व गोष्टी आपल्या प्रॉब्लेममध्ये आपल्या प्रोव्हाइड केलेल्या नसतील, तर ह्यातल्या ज्या गोष्टी प्रोव्हाइड केल्या तेवढ्याच आपल्याला फक्त मेन्शन करायच्या, तर त्यातली ही गोष्ट तर कंपल्सरी आपली असते प्रॉब्लेममध्ये इथपर्यंत। हां, एवढ्या गोष्टी ज्या मी सिलेक्ट केलेल्या गोष्टी आहेत ना, तेवढ्या प्रॉब्लेममध्ये आपल्या कंपल्सरी असणार आहेत। हे बघा, इथपासून ह्या ज्या गोष्टी आहेत ना, त्या आपल्या प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला कंपल्सरी आपल्या दिलेल्या असतील ह्या गोष्टी, आणि प्लांट अँड मशनरीसुद्धा काही वेळेस दिलेले असतील, तर त्याचं डेप्रिसिएशनसुद्धा असणार आहे। ओके, प्लांट दिलेला असतो म्हणजे हे सुद्धा असणार आहे ॲक्च्युली। ओके, प्लांटसुद्धा आपल्याला दिलेला असतो, तर त्याच्यावरचं जे डेप्रिसिएशन ते सुद्धा आपल्याला नॉर्मली मेन्शन, म्हणजे एवढे गोष्टी आपल्या प्रॉब्लेममध्ये दिलेली असते नॉर्मली। ओके, ह्या गोष्टी आपल्याला एक्स्ट्रॅक्ट ऑफ बॅलन्स शीटमध्ये आपल्या मेन्शन करायचं, आणि तुम्ही लायबिलिटी साईडला बघितलं तर नॉर्मली ह्या गोष्टी नसतात ॲक्च्युली प्रॉब्लेममध्ये, पण काही सिच्युएशनमध्ये दिल्या तर आपण त्या मेन्शन करू शकतो, आणि इथे एक्स्ट्रॅक्ट ऑफ बॅलन्स शीट आहे, त्यामुळे ॲसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी हे काय टॅली होणार नाही आहे। ओके, इट इज नॉट कंपल्सरी टू टॅली द ॲसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, बिकॉज दे हॅव नॉट प्रोव्हाइडेड फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रिपेरेशन ऑफ बॅलन्स शीट। ओके, those information available in the problem, we will use that information to prepare the extract of balance sheet, some part of balance sheet. Okay, it is not full balance sheet. Okay, so this is the format of extract of balance sheet. Okay, those information are available in problem, we will use that information to prepare the extract of balance sheet. We can't use full balance sheet because in most of the problem, in 99% problem, you will not have full information about the balance sheet. Okay, they will not provide you the creditors, they will not provide you the capital information or the debentures information, bank loan information. Okay, that's why we can't prepare the full balance sheet here.
वी कैन प्रिपेयर ओनली एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट. दोज इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन द प्रॉब्लम वी कैन यूज दैट इन्फॉर्मेशन टू प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, सम पार्ट ऑफ बैलेंस शीट. ओके, यू कैंट प्रिपेयर फुल बैलेंस शीट फ्रॉम दैट प्रॉब्लम, दैट विच प्रॉब्लम यू विल गेट इन एग्जाम. ओके, दैट्स वाई दे हैव मेंशन द वर्ड एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट. ओके, दे विल आस्क यू टू प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ओनली, दे विल नॉट आस्क यू टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट. ओके, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट मीन जस्ट रिमेंबर दिस पोर्शन, एक्चुअली हाउ टू रिकॉर्ड दिस पोर्शन, बिकॉज अदर थिंग्स यू ऑलरेडी नो दैट एक्चुअली. ओके, हाउ टू मेंशन द डब्ल्यू आई पी. ओके, इन डब्ल्यू आई पी यू विल मेंशन फर्स्ट वर्क सर्टिफाइड, जस्ट यू विल मेंशन वर्क सर्टिफाइड, एड अनसर्टिफाइड वर्क, लेस रिजर्व, लेस कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग. ओके, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ डब्ल्यू आई पी. ओके, यू विल मेंशन दिस अमाउंट आउट इन द आउटर कॉलम. ओके, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑल अदर थिंग्स यू नो दैट एक्चुअली. स्टॉक ऑफ मटेरियल यू विल मेंशन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. कैश एट बैंक ऑल्सो यू नो दैट वी नीड टू मेंशन इट इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. Plant also you will mention it at the asset side of balance sheet. The depreciation on plant you will minus from the plant value of the plant. Okay, like this. Okay, plant and machinery related depreciation. Okay, so all the other things you know that actually, but this information is most important. Use this format to mention the WIP. Okay, work certified, add uncertified work, less reserve, less cash received from contractee. This format you will use to mention work in progress in balance sheet. Okay. Okay, in the next lecture we will see how to solve the problem. Okay. Okay, the same video I will upload on the YouTube. Okay, you can watch this video on YouTube also. Okay, you can revise it on YouTube. Okay, thank you.